सफेद वाली लहर चेप के टांडा कला में घर के सामने रास्ते को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। ग्रामीणों का आरोप है कि कपिल के घर के बाहर कांटे का तार गांव का एक व्यक्ति लगा रहा था, जिसका कपिल ने विरोध किया तो उसे बाहर से लड़कों को बुलवा कर उसे लाठी डंडे से व फावड़े से चोटिल करना शुरू कर दिया। झगड़ा ज्यादा होने पर गांव के लोग बचाने पहुंचे, जिस पर अपनी कार से आए बाहरी लोगों ने गांव के लोगों को ही पीटना शुरू कर दिया। जब गांव के लोगों की संख्या बढ़ती देख अपनी कार छोड़कर उन लोगों ने हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। मारपीट में 3 लोग घायल हैं, जिनका CHC लहरपुर में इलाज चल रहा है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना पाते ही 100 नंबर व कोतवाल CO सदर मौके पर पहुंच गए। आरोपी पुलिस के आते ही फरार हो गए और पीड़ित ने थाने में तहरीर दे दी है। आरोपी की तलाश की जा रही है। सीतापुर से राम सागर पाल के साथ बलराम मिश्रा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। अशोक कुमार वर्मा, कहाँ रहते हैं आप? टांडा कला। अच्छा, ये जो घटना हुई है आज आपके गांव में, इसका क्या पूरा मामला है? इसका मामला ये था, पवन कुमार के उत्तर एक तालाब है, ठीक उसी तालाब में वो राम नरेश कह रहे हैं हमारा, तो वो सीतापुर से 6-7 लोग गाड़ी से बुलवाए थे। वो तार पवन कुमार के मकान के सामने लगा रहे थे। फिर जब पवन कुमार ने मना किया तो उनके पड़ोस में दिलदार अली वो आ गए, और हम उसी समय दाढ़ी बनवाने आए थे दिलदार से, तो दिलदार दाढ़ी बना रहे थे। जब ये विवाद होने लगा तो हम जब ये देखा विवाद तो वो पहुँचे दिलदार अली, तो इनको बचाने लगे तो दिलदार को काफ़ी चोटें आई, फावड़े से और बांके से प्रहार कर दिया दिलदार के ऊपर। अच्छा, उससे आक्रोशित ग्रामीणों ने क्या किया? वो फिर पूरा गांव शोरगुल सुनकर इकट्ठा हो गया, फिर गांव इकट्ठा होकर बचाने लगा तो जो पहुँचे उसी को मारने लगे, तो पूरे गाँव के लोग आक्रोशित होकर वो गाड़ी जो आई थी उसको पलट दिया वहीं जगह। अच्छा, गाड़ी किसने बुलवाया था? गाड़ी वो राम नरेश सनाप बलदेव प्रसाद। उसमें कितने लोग थे? करीब 4-5 लोग थे। अच्छा, सीतापुर से आए थे। सीतापुर से आए थे। हाँ। जो दंगा किया है उन्हीं लोगों ने किया है? हाँ, वो किया और राम नरेश ने भी दंगा किया। अच्छा, जो स्थानीय निवासी थे? हाँ हाँ, वही राम नरेश ने ही दंगा करवाया। अच्छा, वहाँ पे मौके पर कोई पुलिस प्रशासन? मौके पर पुलिस प्रशासन 100 नंबर पहले पहुँचे, फिर कोतवाल साहब पहुँचे।